On page number 104, come on page 104, example 3, question 3, bataya maine 104, Mr. Kasim purchase rights for 8000 on 12 March 13. Mr. Kasim purchase rights for rupees 8000 on 12 March 13. 13, 14, 15. Mr. Kasim purchase right for 8000 on 12 March 13. Bought right, यानी परचेज राइट, तो इस दिन इसके हाथ में क्या होगी, प्री रजिस्ट्रेशन और रुपीज 8000, इनके कॉस्ट 8000. द वैल्यू ऑफ द राइट्स ऑन डेट डेट वॉज 10000. मैंने आपको कहा था जब भी लफ्ज आ जाए ना वैल्यू ऑफ राइट, इसे आपने इग्नोर करना है. आए आके खोलें सेक्शन 14 पेज नंबर 98. इस पेज के ऊपर आप देखें कि यू विल फाइंड अ थिंग ऑन दिस पेज, जहां लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ अ राइट और ऑप्शन टू एक्वायर शेयर्स इन एम्प्लॉय शेयर स्कीम इज. जब भी आपको राइट की वैल्यू दे दे वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है. असल में आपको बात ये बताई थी, एक बंदा कहते हैं मेरे पास चीज खरीदने का हक है. अब वो हक महंगा होता चला जा रहा है. अब अगर हक महंगा होता चला जा रहा है उसके महंगा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप उस राइट को बेच ना दें. तो आपने तो बेचा ही नहीं राइट को, सिर्फ वैल्यू दी हुई है. वैल्यू के आगे ये तो नहीं लिखा हुआ इट इज ऑल्सो सोल्ड ऑन सेम वैल्यू. नो 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 नो. तो इसलिए मैंने आपको कहा था वैल्यू ऑफ राइट विल ऑलवेज बी इग्नोर्ड. इसलिए इसके ऊपर आपने लिखा 14 का एक इग्नोर, एज पर 14 का एक इग्नोर. किताब पे आपने लिखा 14 के एक की रोशनी में इसे इग्नोर करेंगे. ओके पेज 104 पे एम बाय बाइंग द राइट ही गॉट द राइट टू बाय 20,000 शेयर्स. उसने 20,000 शेयर खरीदने का हक खरीद लिया. ये क्वांटिटी है. ऑन 25 सितंबर 13 ही सोल्ड हाफ ऑफ द राइट्स फॉर 7000. ऑन 25 सितंबर 13 जुलाई अगस्त सितंबर. ऑन 25 सितंबर 13 ही सोल्ड हाफ ऑफ द राइट्स. सोल्ड राइट्स जी, राइट्स बिकने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सेक्शन 14 के 5 में. जाएं 14 के 5 की दो लाइनें पढ़ें. 5 है ना 14 का, इसमें क्या लिखा हुआ है, वेयर इन एन एम्प्लॉयड डिस्पोजेज ऑफ अ राइट द अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड शिल बी इंक्लूड फॉलोइंग ए माइनस बी. अच्छा जी, अब गेन निकालना है. गेन इज इक्वल टू ए माइनस बी, वेयर इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड. जी आधे राइट कितने के बेचे, 7000 के. सारे कितने के खरीदे थे, तो आधे कितने के खरीदे होंगे, 4000 के. 7000 माइनस 4000 इज इक्वल टू
3,000 कहाँ चला जाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी में, राइट्स का बेचना इनकम फ्रॉम सैलरी में। इधर देखें, अब राइट खरीदे, प्री रजिस्ट्रेशन कराई, कागज का टुकड़ा, शेयर नहीं, कागज का टुकड़ा जेब में पड़ा रहा पड़ा रहा पड़ा रहा, महंगा होता जा रहा है, कुछ नहीं करना उसकी वैल्यू, दे भी दे कुछ नहीं करना, अनलेस द राइट इज सोल्ड, जब तक के राइट बेच ना ले। आधे राइट बेच दिए, अब आधे बेच दिए तो आधे क्या करेंगे? एक्सरसाइज कर लेंगे, पढ़े ऑन 22 जून 14 ही एक्सरसाइज द रिमेनिंग राइट बाय पेइंग ₹80। भाई ये 83 रुपीज पर शेयर किस मौके पे पे किए हैं? शेयर खरीदने के मौके पे या राइट खरीदने के मौके पे? शेयर खरीदने के मौके पे, ये शेयर खरीदने के मौके पे। इसको शेयर खरीदने का मौका भी कहते हैं, इसको राइट एक्सरसाइज करने का मौका भी कहते हैं। तो शेयर खरीदते हुए एक शेयर पे कितने रुपए पे किए? 83 रुपीज पे किए। ही हैड एक्सरसाइज द रिमेनिंग राइट बाय पेइंग 83 पर शेयर। लेकिन ये शेयर कौन से वाले हैं? देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर फॉर 1 ईयर, आगे नहीं पढ़ना, एक साल तक इसको बेच नहीं सकते। अच्छा जी, इस दिन क्या हुआ है? 22 जून 14 को राइट एक्सरसाइज करके हमने शेयर्स परचेज कर लिए होंगे, ये कंपनी ने शेयर इशू कर दिए होंगे, लेकिन ये शेयर है विद रिस्ट्रिक्शन वाले, इस वजह से सैलरी इनकम में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और वेट करेंगे क्या रिलीज होने का? रिस्ट्रिक्शन। जी, शेयर की कॉस्ट कितनी पे की है एक शेयर की? 83 पर शेयर। देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर 22 जून 15, इस दिन हमारे शेयर की रिस्ट्रिक्शन रिलीज होनी है, तो हम वेट करेंगे। इस दिन खड़े होकर हम सोचेंगे कि अभी सैलरी में कुछ ऐड नहीं करेंगे, बल्कि जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी उस दिन सैलरी में ऐड करेंगे। हाउएवर ही सोल्ड द शेयर्स ऑन 10 जनवरी पर, ओ हो, हाउएवर ही सोल्ड द शेयर्स ऑन 10 जनवरी 15 फॉर ₹90 पर शेयर। हाउएवर ही सोल्ड शेयर्स फॉर 10 जनवरी 15 ऑन 10 जनवरी 15 फॉर ₹90 पर शेयर। इवेंट का नाम सोल्ड शेयर्स बिफोर रिलीज ऑफ, मेरे भाई जब भी शेयर आप बेचेंगे बिफोर रिलीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन तो बड़ा बड़ा करके सैलरी में लेके जाने, ना के कैपिटल गेन में, ये आपको बताया था पिछली क्लास में। यू हैव सोल्ड द शेयर्स, अगर रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने के बाद शेयर बेचे फिर कैपिटल गेन में लेके जाना, अगर रिस्ट्रिक्शन से पहले बेचे तो सैलरी में लेके जाना। 22 जून 14 और 22 जून 15 की फेयर वैल्यू दी हुई है 85 और 89, और 10 जनवरी 15 को कितने का बेचा है? 90 पर शेयर। इसे 90 का बेचा है, इस दिन फेयर वैल्यू पे ही बेचा होगा 90, इस दिन की फेयर वैल्यू, इस दिन की 80 और इस दिन की 89। इस दिन में इस दिन सैलरी में क्यों नहीं कुछ ऐड करना? रिस्ट्रिक्शन है। इस दिन क्यों नहीं ऐड करना? शेयर ही नहीं है, शेयर ही नहीं है, किस चीज की रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई है? अच्छा इस दिन सोचे, इस दिन ये बंदा क्या क्या सोचेगा, एम्प्लॉय क्या सोचेगा? इस दिन कुछ नहीं सोचेगा, उसने जो सोचना था वो सोच के कर चुका है, इस दिन कुछ नहीं सोचेगा, उसे शेयर ही बेच चुके, तो इस दिन क्या कहेगा? इस दिन ऐसे ही बैठे बैठे कह सकते हैं अगर शेयर पड़े होते तो रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो जाती, अगला बंदा मारेगा थप्पड़, पड़े ही नहीं हुए, हाँ इसी टाइम जाया किया मैंने, इससे बेहतर था 2 मिनट जिक्र कर लेता, अगर शेयर पड़े होते तो। इसको कहते हैं लाज आनी है, ऐसी बात जिससे ना दुनिया का फायदा ना आखरत का फायदा है। तो इस दिन खड़े होकर ये कह सकते हैं अगर शेयर पड़े होते तो मैं रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो जाती, इस बात का कोई फायदा नहीं, ना दुनिया में फायदा ना आखरत में इस बात का फायदा है, तो मोंगी मारी ऐसे। अब रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से पहले ही शेयर बिक गए, अगर पहले शेयर बिक गए तो आज तक सैलरी में कुछ ऐड हुआ नहीं, तो इसलिए अब सैलरी में ऐड किया जाएगा, ना कि शेयर्स का बेचना कैपिटल गेन में।
फॉर्मूला वही बनेगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। जी फेयर मार्केट वैल्यू 90। अच्छा ना 20,000 नहीं, ऊपर जाके देखें कितने शेयर खरीदने का राइट लिया था, आधे राइट तो बेच दिए, तो फिर कितने राइट बचे? तो 10,000। जी बोले 9 लाख। कॉस्ट ऑफ शेयर 83। शेयर खरीदते हुए कितने पैसे दिए थे? 83। जी 830। और राइट आधे 8,000 के खरीदे थे, आधे बेच दिए, बाकी आधे व्हाट इज दिस? अब होल्डिंग पीरियड वगैरह नहीं गिनना क्योंकि ये सैलरी में जा रहा है, होल्डिंग पीरियड नहीं गिनना, चाहे होल्डिंग पीरियड 10 साल हो, इससे इसके दरमियान होल्डिंग पीरियड ऐसे गिनेंगे, लेकिन गिनना नहीं है क्योंकि सैलरी में गेन जाना है, कैपिटल गेन में जाना ही नहीं। जी ऑन 25 सितंबर 13 ही सोल्ड हाफ ऑफ द राइट्स फॉर 7,000। उसने आधे राइट 7,000 के बेच दिए, यानी उसने प्री रजिस्ट्रेशन बेच दी। मैं अभी समझा देता हूं, जल्दी करें। पढ़े इंग्लिश, आए पेज नंबर 99 पे, पॉइंट थ्री का सेकंड पैरा, पॉइंट थ्री का सेकंड पैरा।
जी भाई इधर सेकंड लास्ट रो में आ जाओ, ब्लैक शर्ट जगह बनाए। हाउएवर इफ द एम्प्लॉई, हाउएवर इफ द एम्प्लॉई डिस्पोजेज ऑफ द शेयर बिफोर गेटिंग द फ्री राइट। देखें इधर, इफ द एम्प्लॉई डिस्पोजेज ऑफ द शेयर बिफोर गेटिंग द फ्री राइट, तो क्या करें जी? टू ट्रांसफर द शेयर्स द सैलरी शैल इंक्लूड द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द टाइम एम्प्लॉई डिस्पोजेज ऑफ द शेयर्स लेस कंसिडरेशन गिवन बाय एम्प्लॉई फॉर द शेयर्स एंड फॉर द राइट्स। किस दिन के फेयर वैल्यू, ये जरा देख लें क्या लिखा हुआ है भाई, बता दें किस दिन के फेयर वैल्यू, जिस दिन शेयर्स डिस्पोज ऑफ की। इसको भी काट दें, इसको भी काट दें। 85 क्यों नहीं उठाना? क्योंकि क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है। 89 क्यों नहीं उठाना? शेयर ही नहीं है तो रिस्ट्रिक्शन किस चीज पे रिलीज होनी? ओके सवाल की कहानी आखिरी दफा दोबारा सुन लें। सवाल की कहानी है, मिस्टर कासिम परचेज राइट्स फॉर 8,000 ऑन 12 मार्च 13। मिस्टर कासिम ने 8,000 के 12 मार्च 13 को राइट खरीदे। व्हाट इज दिस राइट? इस दिन हमारी जेब में क्या थे? राइट, प्री रजिस्ट्रेशन। इस दिन हमारी जेब में प्री रजिस्ट्रेशन थी। प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो 8,000 की है। ये वैसे ही मैंने किसी से जाके रेट लगवाया कि यार ये 8,000 वाला है, ऐसे ही एक दिन जाके या उसी दिन शाम को ये 8,000 में किसी और एम्प्लॉय को अगर दे दूं, तो किसी ने कहा मैं 10,000 का ले लेता हूँ, वैल्यू इसकी 10,000 है। भाई दे दिए अभी तो नहीं दिया, तो वैल्यू ऑफ राइट इग्नोर करनी। इसकी कीमत 8,000 में खरीदा लेकिन बढ़ के शाम को ही 10,000 हो गई, लेकिन अभी तक बेचा नहीं, तो क्या गेन रियलाइज हो गया? डू नथिंग। नेक्स्ट, बाय बाइंग द राइट ही गॉट द राइट टू बाय 20,000 शेयर्स। ये कागज का टुकड़ा जिसके पास होगा उसको 20,000 शेयर मिलेंगे। ही सोल्ड हाफ ऑफ द राइट्स फॉर 7,000। हमने इस कागज के टुकड़े को पकड़ा और इस कागज के टुकड़े को पकड़ के आधा बेच दिया, आधा हमने बेच दिया। ही सोल्ड हाफ ऑफ द राइट्स, किसी को बेच दिया और किसी को बेच के कहा कि भाई मुझे 7,000 रुपए दे दो। तो ये आधे कितने के खरीदे थे? 4,000 के। तो इस कागज के टुकड़े के बेचने में कितना आ गया गेन? 3,000। अब मेरे पास कितने राइट्स रह गए हैं? आधे। अब मेरे पास आधे राइट रह गए हैं। इन आधे राइट्स को मैं पकड़ी रखूंगा, पकड़ी रखूंगा, पकड़ी रखूंगा, और कंपनी आ गई, कंपनी आ गई, कंपनी कंपनी जल्दी, ओ भाई भाई अबू बकर कंपनी और कंपनी आ गई, और ये मैं राइट शेयर शेयर सर्टिफिकेट का प्रिंट लाना था। नहीं अच्छा चले जाएंगे, ठीक है कोई मसला नहीं, वो गूगल पे जाके लिखा था शेयर सर्टिफिकेट का प्रिंट भेजना था, लेना था। अच्छा अब ये पड़ी नहीं, ये इधर देखें, इस दिन ये राइट कंपनी को जमा कराएगा, कंपनी को जमा करा के जेब से 83 रुपीज जरब 10,000 शेयर, 83,000, ये 830,000 कंपनी को जमा कराएगा, और जमा करा के ये कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट ले लेगा। ये कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है। अब इस दिन इसके पास कंपनी के शेयर होंगे, इस दिन कंपनी का मालिक है, मालिक है, मालिक है। इस दिन तक शेयर बेच सकता था, सॉरी इस दिन तक शेयर नहीं बेच सकता था, लेकिन बीच में बेच दी, सॉरी। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब हैंडरिटन नोट्स निकाल ले, मैंने आपको बताया चार किस्म के सवाल पेपर में आ सकते हैं। यह आपको दूसरा तीसरा सिनेरियो समझाया था कल, पहला भी बता दिया था। पहला क्या था? पहला तो आज रिवाइज हो गया, राइट खरीदा राइट बेचा, पहला तो आज रिवाइज हो गया, दूसरा तीसरा कल कराया था, और चौथा, चौथा तो पढ़े, चौथा क्या है? पहले पहले सफे पे है ना, ये वाला सफा है ना, ये वाला सफा पहले सफे पे,
राइट खरीदा, इसमें सालों को मैच ना करें, साल कोई भी हो सकता है। राइट खरीदा, अगला काम क्या किया? लेकिन क्या लगी हुई थी? रिस्ट्रिक्शन। क्या लगी हुई थी? रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। लिखा हुआ है एक्सरसाइज राइट, परचेज राइट विद रिस्ट्रिक्शन। एक्सरसाइज लिख लें, एक्सरसाइज राइट परचेज राइट विद रिस्ट्रिक्शन। पहले बॉर्डर पे जाएं, बॉर्डर पे क्या लिखा हुआ है? राइट साइड पे सफे के एंड पे रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड। क्या लिखा हुआ है? सफे के एंड पे जाएं, राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? रिस्ट्रिक्शन रिलीज्ड। लेकिन इससे पहले ही हमने क्या कर दिया? सोल्ड शेयर्स बिफोर रिलीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन। सोल्ड शेयर बिफोर रिलीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन, तो क्या करेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ राइट, डेट इज इनकम फ्रॉम। तो इस सफे को 10 सफा जाके आपने घर में रिवाइज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पेज। इसको 10 सफा जाके रिवाइज करना है कि किस वक्त कौन सा इवेंट टेक प्लेस होता है, उसकी बुनियाद पे आपने डिसीजन लेना है। अगले सफे में आए, अगले सफे पे, ये चैप्टर 19 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन 17 कितने लोगों ने घर में किया था, हाथ खड़ा करें। ये मैंने करने को कहा था, ये आपने जरूर करना था। ओके, चलें जी, इट वॉज ऑल अबाउट एम्प्लॉय शेयर स्कीम। चैप्टर 3 पे आ जाएं। जी जी, नहीं मैंने कहा था जो अगर ये तो सेल्फ प्रॉपर्टी है ना, यानी अपनी ही प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, तो जो एक्चुअल किराया रिसीव आ रहा है वो प्रॉपर्टी में जाएगा, उसकी एक्चुअल कराया जाएगा। लॉ मेकर ने रिलैक्स किया हुआ यहाँ पे, बस एक्चुअल कराया जो एम्प्लॉयर दे रहा होगा वो चला जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ये कहाँ आपने सुना है, कहाँ पे लेके आना? पास पेपर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं टेस्ट हुआ हुआ। चैप्टर 3 में आए, पेज नंबर 20, एथिक्स का लफ्ज लिखा हुआ है, एथिक्स का लफ्ज। अब साथ वाले की बुक पे लिखें तुम भी, और इधर लिखें सीख लो, लिखें साथ वाले की बुक पे तुम भी सीख लो, दरमियान में चैप्टर का नाम होना चाहिए। लिखते लिखते कुछ नहीं, क्या कहना है उसने? ओके, चलें ये पढ़ना शुरू करें। एथिक्स मीन्स कैरेक्टर्स एंड कस्टम्स। एरिस्टोटल वॉज द पहला बंदा टू स्टडी एथिक्स, उससे पहले दुनिया में लोग झक मार रहे थे, अजीब किताबें बनाने वाले लोग हैं। ही बिलीव दैट एथिकल बिहेवियर इज नॉलेज, दैट एक्शंस आर फॉर बेटरमेंट ऑफ कॉमन गुड, आम लोगों के लिए काम करना। टू डिटरमिन व्हाट इज एथिकली गुड फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, टोटल सेड इट इज नेसेसरी टू पोजेस थ्री वर्चूज ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। नंबर वन टेम्परेंस, सबर, हौसला, इंसाफ। पॉइंट वन, एथिक्स फॉर, तो ये अंडरलाइन कर लें, थ्री वर्चूज ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। एक नंबर का सवाल आ सकता है पेपर में, व्हाट आर थ्री वर्चूज ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। एथिक्स फॉर टैक्स लेजिस्लेटर्स, टैक्स लेजिस्लेटर होता है गवर्नमेंट, एफबीआर नहीं होता, एफबीआर होता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, वो कल पढ़ेंगे। ये कौन है? लेजिस्लेटर होती है गवर्नमेंट, जिसने लॉ बनाया है। लॉ बनाता नहीं है एफबीआर,
बनाती गवर्नमेंट है, इंप्लीमेंट करता है एफबीआर। टैक्स लेजिस्लेटर से मुराद गवर्नमेंट नहीं जी, गवर्नमेंट के एथिक्स आज हमने पढ़ने हैं। लेजिस्लेटिव ऑफिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट एंड एवरी एफर्ट फॉर पर्सनल गेन थ्रू ऑफिशियल कंडक्ट इज अ वायोलेशन ऑफ दैट ट्रस्ट। समझ आ गया होगा, आगे चलें। अच्छा, गवर्नमेंट ने देखें टैक्स लगाना है, तो मिसाल के तौर पे इमरान खान कहते हैं कि मुझे लेजिस्लेटिव ऑफिस मिला इस साल, लेजिस्लेटिव ऑफिस मेरे हाथ में है, यानी टैक्स बनाना जिस दफ्तर में बनाया जाता है मैं उस दफ्तर में बैठता हूं। लेजिस्लेटिव ऑफिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट, इसमें पब्लिक ने आप पे एतमाद किया तो उस दफ्तर में बिठाया। एंड एवरी एफर्ट फॉर पर्सनल गेन, बनी गाला वालों का टैक्स हम माफ कर रहे हैं जी, नीचे एक प्रोविजन डाल दी इमरान खान ने, सैलरी कमाओ सैलरी पे टैक्स लगेगा एक्सेप्ट बनी गाला, बनी गाला में जितने लोग रहते हैं उन पे टैक्स नहीं लगेगा। अब ये कौन सा गेन हो गया? पर्सनल गेन, इसकी इजाजत नहीं है। लेजिस्लेटिव ऑफिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट, ये वसीम अकरम गया, इंजमामुल्लाह गया, ये लोग गए तो इमरान खान ने उनसे बातों बातों में उनको खुश करने के लिए कह दिया चलो क्रिकेटर्स पे टैक्स नहीं है। अब वो बड़े खुश हुए जी, हम जो मर्जी करें हमारे पे टैक्स नहीं है, तो कहते हैं ये बात पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। लेजिस्लेटिव ऑफिस इज अ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के ट्रस्ट के लिए बैठे हुए उधर। एंड एवरी एफर्ट फॉर जाती गेन थ्रू इज अ वायलेशन ऑफ दैट ट्रस्ट। आई होप इट्स क्लियर। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द लेजिस्लेचर, चर जो भी आप पढ़ें, द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटर होना चाहिए वैसे ज्यादा अच्छा लगेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द लेजिस्लेटर टू मेक अ कोड ऑफ एथिक्स, नीचे कोड ऑफ एथिक्स हम पढ़ने लगे हैं, टू मेक अ कोड ऑफ एथिक्स, जहाज गुजरा है, टू मेक अ कोड ऑफ एथिक्स प्रोहिबिटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पब्लिक ड्यूटी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटर। व्हाट इज पब्लिक ड्यूटी, व्हाट इज प्राइवेट इंटरेस्ट, अभी बात कर दी आपसे, अंडरलाइन करें, व्हाट इज पब्लिक ड्यूटी, व्हाट इज प्राइवेट इंटरेस्ट। पब्लिक ड्यूटी क्या है? कि जो टैक्स लगा रहे हैं उससे लोगों को फायदा मिले, ये पब्लिक ड्यूटी है। और प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है? कि बनी गाला वालों को टैक्स माफ कर दिया। पब्लिक इंटरेस्ट प्राइवेट इंटरेस्ट, इन दोनों में फर्क है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स, हमारे मुल्क का लॉ चाहता है टू मेक अ कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स होने चाहिए जिसमें मना किया जाए लड़ाइयों को। लड़ाइयां क्यों होती हैं? पब्लिक ड्यूटी कहती है टैक्स लगाओ, प्राइवेट इंटरेस्ट कहते हैं नहीं अपने जानने वालों को टैक्स माफ करो। एंड प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटर, ये नहीं कि इमरान खान कहे मैं अपनी बहन को टैक्स माफ करता हूं, ये फिर प्राइवेट इंटरेस्ट हो जाएगा। तो प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बल्कि पब्लिक ड्यूटी को प्रिवेल करना चाहिए। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द लेजिस्लेटर टू इनैक्ट, इनैक्ट होता है कानून लगाना, टू इनैक्ट अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑल ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट एंड इट्स पोलिटिकल सब डिविजन। टैक्स सब पे लगना चाहिए, ऑल को अंडरलाइन कर लें, ऑल की जगह सम होता तो ये गलत बात होती है। टू इनैक्ट अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर सम ऑफिशियल्स, कई दफा ऐसा होता है कि गलत लफ्ज लिख के उसे काट दें तो ज्यादा अच्छा समझ आ जाता है। ऑल के ऊपर सम लिखें और सम लिख के उसको काट दें, अब ज्यादा अच्छा समझ आएगा। यानी अगर आप ऐसे पढ़ें, इनैक्ट अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर सम ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉइज, इज इट गुड और रॉन्ग? सम ऑफिशियल्स के लिए नहीं चाहिए, ऑल के लिए होना चाहिए। इट्स ओवर, द मुश्किल इंग्लिश ऑफ चैप्टर इज ओवर। आगे बड़ी हमारे वाली अंग्रेजी लिखी हुई है, ये पता नहीं इस बार आई कैप की किताब किसी के हाथ में लगी थी तो ये उसने दो तीन लाइनें बड़ी ओखी ओखी डाल दी रोप डालने के लिए। आई कैप ने किसी को रिव्यू के लिए किताब दी होगी, उसने कहा ये दो तीन लाइनें डाल दें जरा, आगे सब आसान है। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, अब मोटे मोटे रूल्स पिलर्स तो नहीं कहेंगे इनको, कैनन्स ही कहेंगे, पिलर्स तो पिछले चैप्टर में पढ़े थे। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आर द बेसिक प्रिंसिपल्स टू रन अ गुड टैक्स सिस्टम। आदम स्मिथ वॉज द फर्स्ट बाबा टू डेवलप अ लिस्ट ऑफ कैनन्स, लेटर ऑन सम न्यू कैनन्स वर एडेड। बाद में एडम स्मिथ के शागिर्द आए तो उन्होंने कहा था बाबा जी को सही तरह समझ नहीं आई थी, नए कैनन हम डालने लगे हैं। दीज कैनन्स हेल्प टैक्स लेजिस्लेटर्स, लेजिस्लेटर्स कौन है? गवर्नमेंट, इन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ गुड टैक्स सिस्टम। द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आर डिस्कस बिलो, बाबा जी के चार हैं और उनके स्तुंगड़ों के 5, 6, 7, 8, 9 वो भी 5 बना लिया उन्होंने टोटल। उनके बाबा जी ने कहा था 4 हैं, तो जब जमाना गुजरा तो उनके शागिर्दों ने कहा बाबा जी आप 5 भूल गए थे, टोटल 9 है। पहले बाबा जी के पढ़ लेते हैं।
ओरिजिनल ओरिजिनल इनको कहा करना है, ये नीचे जो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल मेन कॉपी। हाँ ओरिजिनल एंड मेन कैनन्स ऑफ टेक्सट डिस्कस बाय बाबा जी इन इज मशहूर किताब कौमों के पैसे। नंबर वन कैनन ऑफ इक्विटी। कैनन ऑफ इक्विटी की मिसाल है पेज 34 और 35, उस पर टेबल दिया हुआ है। टेबल वन टेबल टू द पर्सन हु अर्न मोर शुड पे कैनन। समझने पे फोकस करना है, इंग्लिश घर जाके पढ़ लीजिएगा। कैनन समझने पे फोकस करना है, मैंने पूरी इंग्लिश नहीं पढ़ानी, एक एक लाइन सबकी पढ़ाऊंगा, लेकिन इंग्लिश घर जाके पढ़ लेनी है, समझने पे फोकस करना है। व्हाट इज कैनन ऑफ इक्विटी, मिसाल लिखे आगे पेज 34 एंड 35। इनको प्रोग्रेसिव रेट्स भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव रेट। द वन हु अर्न मोर शुड पे मोर। जी बिल्कुल, यस। दिस प्रिंसिपल सेज दैट अ पर्सन हु अर्न मोर शुड पे एज कंपेयर टू अ पर्सन हु अर्न लेस। एज अ रिजल्ट पर्सन अर्निंग हाई इनकम शुड पे टैक्स एट हायर रेट एज कंपेयर टू पर्सन हु इज अर्निंग लेस इनकम। इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टू ब्रिंग सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ इन द मल्क। कैनन ऑफ सर्टेनिटी। अच्छा, हमारा लॉ अनसर्टन है, पता ही नहीं सैलरी में क्या कौन सी चीज पे कैसे टैक्स लगता है, ऐसा है नहीं, बहुत सर्टन है। हर एक को पता है गाड़ी पे 10 या 20 5% लगता है, आपको आपके साथ वाले को भी पता चल गया रिविजन टेस्ट की करके। हर एक को पता है कि घर प्रोवाइड किया जाए तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी या एक और चीज विच एवर इज हायर एड होता है। आप बता दें हमारा लॉ अनसर्टन है या सर्टन है? सर्टन है। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, द टैक्स डेट अ पर्सन इज गोइंग टू पे शुड नॉट बी क्लियर। क्लियर नहीं होना चाहिए, उसे पता ही नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं, शुड बी सर्टन। एवरीथिंग शुड बी मेड क्लियर, या हो सकता है उल्टा अगर बोले नथिंग शुड बी मेड क्लियर एंड सिंपल फॉर टैक्स पेयर। इट इंश्योर्स दैट टैक्स पेयर शुड हैव पार्शियल नॉलेज अबाउट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट। If this canon does not exist, it leads to tax evasion. चलें जी, canon of convenience. जी देख लेते, 30 जून 12 मेरा year end है, मैंने tax कब जमा कराना है, मैंने tax इस दिन pay करना है। Is it convenient for me to arrange money in 3 months? Yes, sir. Yes, I am not supposed to arrange money in 3 days. Government is allowing me at least 3 months for arranging the money. So it means there is a canon of convenience in our law. So ye canon of convenience ki misal hai. Year end hamara 30 June hai aur humne tax jama karana hai 30 September ko. It is canon of asani. Ab dekh le, sari asani English hai. The canon of the procedure for tax payment should be convenient and taxpayer friendly. The time and manner of payment must be, ये तो time हो गया ना, manner क्या भाई, जिसने भी tax जमा कराने FPR में कम से कम 2 घंटे खड़ा हो गया है धूप में। नहीं नहीं नहीं, अब तो electronic payment अलाउ हो गई है, आपको दफ्तर भी जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ electronically payment कर देंगे तो भी चल जाएगी। Convenient, बहुत convenient है tax जमा कराना। ओके, नीचे आ जाए, कैनन ऑफ इकोनॉमी। ओके, इट इज पत्तों की पैटोकी में FBR ने 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई और FBR को 3 मंजिला बिल्डिंग बनाने पे कॉस्ट आई 70 मिलियन। 70 मिलियन। और जब पत्तों की में जाके लोगों से टैक्स मांगा तो उन्होंने टैक्स जमा कराया 5 मिलियन। जी आप बता दें,
ऐसे शहर में जाकर खर्चा करना जिसमें कुछ आना ना हो, इज इट मुनासिब? ठीक है, द स्टोरी इज एंटायरली डिफरेंट इन केस ऑफ कराची। अगर मैं इधर कराची लिखूं और यहां 70 लिखूं, तो यहां फिर मैं 5000 लिखूंगा। कराची में तो बहुत टैक्स इकट्ठा होगा, कराची में तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। आप बताएं, अब सही किया है, अब डिसीजन सही है एफबीआर का, कि अगर 70 मिलियन की बिल्डिंग आपने बना भी ली है तो एफबीआर वालों परेशान ना हो, 70 मिलियन की बिल्डिंग बनाई है, 5000 मिलियन तुम्हें टैक्स भी तो आना है। तो इट इज रॉन्ग डिसीजन कि 70 मिलियन की बिल्डिंग बनाई और टैक्स कितने मिलियन रिकवर हुआ? व्हाट इज द आउटफ्लो, व्हाट इज द इनफ्लो इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स रिकवरी? जाहिर बात है एफबीआर ऐसे तो नहीं होगा, बिल्डिंग भी होगी, एम्प्लॉयज भी होंगे, बिजली के बिल भी जलेंगे, खर्चे भी होंगे, कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है, उनकी तनख्वाहें भी होंगी, वो सारा 70 मिलियन का खर्चा आया और बाद में टैक्स मिला 5 मिलियन, तो फिर ये डिसीजन इनका गलत था। ये मैंने आपको कैनन ऑफ इकोनॉमी की मिसाल दी है या यहाँ कैनन ऑफ इकोनॉमी वॉयलेट हो रहा है? हाँ, यहाँ कैनन ऑफ इकोनॉमी वॉयलेट हो रहा है, इस मिसाल में कैनन ऑफ इकोनॉमी वॉयलेट हो रहा है। नोट, ओके, द कैनन ऑफ इकोनॉमी एफबीआर ने कॉस्ट इंटर की 70 मिलियन, टैक्स मांगा तो मिला 5 मिलियन। द कैनन ऑफ इकोनॉमी स्टेट स्टेट कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। कॉस्ट बताएं कितनी है? शुड बी एज मिनिमम एज, द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी लोअर देन अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड। इधर लोअर है या इधर हायर है? इधर हायर है। बस छोड़े आगे ले जी, शागिर्दों की वैरायटियां पढ़े आप। शागिर्दों ने क्या एग फ्राई किए? एडिशनल कैनन्स, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस द बाबा जी का जमाना, अकॉर्डिंगली द मॉडर्न शागिर्द गेव द फॉलोइंग एडिशनल कैनन। उन्होंने कहा बाबा जी के कैनन अपनी जगह, कैनन हो तो हमारे। पहला कैनन उन्होंने निकाला जी, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। ओके, प्रोडक्टिविटी मुल्क में 29 कानून है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम एक्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, मुल्क में 25 कानून है, 29 कानून है और टैक्स रिकवर हो रहा है 30 बिलियन। सेकेंड ऑप्शन, मुल्क के अंदर 8 कानून है और टैक्स रिकवर हो रहा है 32 बिलियन। जी ऑप्शन वन बेहतर है या ऑप्शन टू बेहतर है? वन क्यों बेहतर है? 29 लॉज को एडमिनिस्ट्रेटिवली संभालना मुश्किल है, 8 कानून बना के एडमिनिस्ट्रेशन संभालना आसान है। तो फिर इन मुल्कों में होता क्या है, 29 कानून अगर बने तो हर एक में थोड़ा थोड़ा रेट होता है टैक्स का, लेकिन अगर 8 कानून बने तो रेट बढ़ा देते हैं वो, ताकि टैक्स की रिकवरी उतनी रहे। तो बता दें कौन सा प्रोडक्टिव लग रहा है आपको, विच वन इज प्रोडक्टिव? ऑप्शन वन इज प्रोडक्टिव या ऑप्शन टू? ऑप्शन टू। तो नोट करके ऑप्शन टू के आगे लिख लें, और इट इज प्रोडक्टिव, ये प्रोडक्टिव है। ओके, कैनन ऑफ, अच्छा पढ़ रहे हैं ये, चले पढ़ लेते हैं, पढ़ना। इट सेज डेट देयर शुड बी
फ्योर टैक्सेस, आठ आठ कानून, दे शुड बी फ्योर टैक्सेस विद 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 लार्जर रेवेन्यूज रादर देन मोर टैक्सेस विद लेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. ऊपर वाला कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी. डिविडेंड पर रेट कितना है आजकल टैक्स का? 15%. कुछ अरसा पहले डिविडेंड पर रेट 12.5% होता था, आजकल कितना है? पहले कितना होता था? जिस वक्त हम सीए कर रहे थे वो पहले नहीं था, वो बहुत पहले था, बहुत पहले, बहुत पहले रेट था 10%. नाउ दिस लॉ इज कॉल्ड एज इलास्टिक. वी कैन इलास्टिसाइज इट टू 12.5, यू कैन मोर खेंच इट टू 15%. इट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. छोड़ देंगे, छोड़ भी सकते हैं, 15 से छोड़ेंगे 8 पे आ जाएगा. दोनों दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिसिटी. ये हकीकत बता रहा हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है. पहले 15% रेट था आजकल, उससे पहले 12.5 होता था, एक जमाने में डिविडेंड पे रेट 10% भी था. इलास्टिसिटी, ये एक सिटी है पूरी. टैक्सेस इम्पोज शुड बी इलास्टिक. क्या मतलब? हमने कहा कि कह रहे हैं तू, शुड बी इलास्टिक. दैट इज, कहते कल सुन, दैट इज दे कैन बी इंक्रीज्ड और अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ. इफ द टैक्स इज इलास्टिक इन नेचर, गवर्नमेंट कैन इजिली इंक्रीज द बाय इंक्रीजिंग द रेट. रेट बढ़ा के रेवेन्यू इंक्रीज कर. ओके, अगला सफा. कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, पॉइंट 7. अच्छा, पेपर में ना पहली लाइन ही लिखाइएगा बस. फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इलास्टिसिटी. चले अगला करते हैं. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इलास्टिसिटी. ओके, फ्लेक्सिबल लॉ है हमारा, फ्लेक्सिबल लॉ है. कैसे? एक सेक्शन आपने पढ़ा था 62, उसमें था लाइफ इंश्योरेंस पे टैक्स माफ होता था, ठीक है. फिर लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हेल्थ इंश्योरेंस पे भी टैक्स माफ करें. फिर लॉ मेकर जरा रिजिड था, फ्लेक्सिबल नहीं था, रिजिड था. उसने कहा नहीं दूंगा टैक्स, नहीं दूंगा टैक्स क्रेडिट. लेकिन फिर कुछ अरसे बाद हुकूमत ठंडी होगी, हुकूमत ने फ्लेक्सिबिलिटी शो की और नया सेक्शन डाला 62A. याद होगा आपको सेक्शन 62A, क्योंकि इसके बाद 63 है. सेक्शन 62 की हेडिंग थी टैक्स क्रेडिट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस. अगर हमारा लॉ फ्लेक्सिबल ना होता तो सेक्शन 62 के बाद 63 ही आता और कोई नया टैक्स क्रेडिट मिलता ही ना. लेकिन हमारा लॉ फ्लेक्सिबल है, न्यू कंडीशंस, न्यू एनवायरमेंट्स को देख के अपने आप को चेंज कर लेता है. इसलिए अक्सर आपने देखा होगा चलते चलते सेक्शन 70 आ रहा होता है, आगे 70A शुरू हो जाता है. चलते चलते सेक्शन 65 आ रहा होता है, आगे 65A शुरू हो जाता है. इसका मतलब है हमारा लॉ इज फ्लेक्सिबल. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. अगर रिजिडिटी होती तो सेक्शन 62 के बाद नया सेक्शन एड ना होता. कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में भी बिल्ली आती है. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इलास्टिसिटी. बस आपके लिए तो इतना काफी है. अच्छा, आगे अ फ्लेक्सिबल टैक्स क्विकली एडजस्ट्स टू न्यू कंडीशंस. पहले लाइफ इंश्योरेंस में मिलता था, आजकल हेल्थ.
इफ द टैक्स सिस्टम इज नॉट फ्लेक्सिबल न्यू एरियाज विल रिमेन अनटैक्स्ड, या फिर ऐसा भी होगा क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, दोनों साइड हो सकता है, हो सकता है टैक्स ना लगे, हो सकता है क्रेडिट ना मिले. कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, लॉ सादा होना चाहिए या मुश्किल होना चाहिए? हमारा लॉ सादा है मुश्किल है? सादा है. सादा वाले जाएं, सिलेबस खत्म हो गया, खुद ही पढ़ लें. अगर वो कह रहे हैं हमारा लॉ सादा है तो खुद ही पढ़ें, घर में ऐसे ही पीछे दे रहे हैं. अच्छा जी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, लॉ क्या होना चाहिए? सादा. द सिस्टम ऑफ टैक्स शुड बी सादा, द एंटायर प्रोसेस शुड बी टेक्निकल एंड उल्टा फॉरवर्ड. If it is difficult and complex to understand, then it will lead to corruption. फिर लोग कहेंगे समझ नहीं आ रहा हमने टैक्स क्या देने. तो असूली तौर पर टैक्स का लॉ सिंपल होना चाहिए या मुश्किल होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए. कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी जी, डाइवर्सिटी की एग्जाम्पल देख लें. पाकिस्तान में सिर्फ कारोबारी हजरात टैक्स देते हैं, बस बस पाकिस्तान में सिर्फ कारोबारी हजरात टैक्स देते हैं बस, और किसी से टैक्स नहीं मांगा जाता. हमारा लॉ डाइवर्सिफाइड है, डाइवर्सिफाई है, सैलरी वालों से भी मांगता है, कैपिटल गेन वालों से भी मांगता है, अदर सोर्स वालों से भी मांगता है, प्रॉपर्टी वालों से भी मांगता है. तो ये लॉ डाइवर्सिफाइड है लॉ. अगर किसी साल सैलरी वाले टैक्स कम दे, सैलरीज कम हो, तो बिजनेस वालों से गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, कैपिटल गेन वालों से टैक्स ले लेगी. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एक सोर्स पर रिलाय कर रही है. गवर्नमेंट एक सोर्स पर रिलाय कर रही है या एक से ज्यादा? सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. अनडाइवर्सिफाइड लॉ, डाइवर्सिफाइड लॉ. अनडाइवर्सिफाइड लॉ, डाइवर्सिफाइड लॉ. डाइवर्सिफाइड लॉ क्या करता है? एक सोर्स पर रिलाय करता है या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा. नाइन, चैप्टर वन और थ्री आपको याद करने का तो टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि ये एक डेढ़ सफा कैसे आप याद करेंगे. तो ये वन और थ्री इसलिए आपको पढ़ा दिया गया है कि जो अभी आ रहा है संडे मंडे ट्यूजडे, तीन दिन आपके पास होंगे ये याद करने के लिए. ओके, पॉइंट नंबर नाइन, कैनन ऑफ डाइवर्सिटी. वो तो खुशी खुशी में इन तीन दिनों में बंदा ज्यादा पढ़ता है, इंशाल्लाह ये भी पास हो रहे हैं, अगले भी पास करने हैं, चलो पढ़े. कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, इट सेज दैट गवर्नमेंट शुड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. लिखें, सैलरी इज डिफरेंट सोर्स, बिजनेस इज डिफरेंट सोर्स, ये सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं. गवर्नमेंट शुड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज रादर देन रिलाइंग ऑन अ सिंगल सोर्स. ऐसा बोले, इफ गवर्नमेंट रिलायज ऑन अ सिंगल सोर्स, अगर गवर्नमेंट एक सोर्स पे रिलाय करे, इट कैन बी हार्मफुल फॉर इमरान खान, फुल स्टॉप. देयरफॉर इमरान खान इंट्रोड्यूसेस बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. उसमें सेल्स टैक्स भी आ जाता है, फिर इनकम टैक्स भी आ जाता है, फिर कस्टम्स एक्ट भी आ जाता है, फिर बहुत से टैक्सेस आ जाते हैं. ओके, जम मारते हैं, आखिरी सफा पढ़ते हैं फिर खत्म करते हैं. जम मारें, किताब का आखिरी सफा नहीं निकालना, पेज 24. एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर. टैक्स प्रैक्टिशनर कौन है? हम लोग. टैक्स प्रैक्टिशनर, टैक्स प्रैक्टिशनर. भाई का नाम, आपके भाई का और आपका? खलील, खलील नहीं, मिस्टर खलील, मिस्टर खलील, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट. अच्छा, शुक्रिया. अच्छा भाई, मिस्टर खलील साहब के पास इंजमामुल हक आए, मुझे टैक्स की कैलकुलेशन कर दो. मिस्टर खलील साहब के पास डॉक्टर्स हॉस्पिटल का ओनर आया,
कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल का टैक्स निकाल दो। मिस्टर खलील साहब के पास जो है वो पेप्सी वाले आए, कंपनी हमारा टैक्स निकाल दो, ठीक है। मिस्टर खलील साहब के पास मुरलीधरन आए, मैं पाकिस्तान में मैच खेलने आया था, मेरा टैक्स निकाल दो। तो हु इज मिस्टर खलील? टैक्स प्रैक्टिशनर। हु इज मिस्टर खलील? टैक्स प्रैक्टिशनर, यानी ये लोगों को टैक्स कैलकुलेट करके देते हैं। जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं वो लोगों के दांत निकालते हैं, खलील दांत नहीं निकालता, खलील जो है वो लोगों को टैक्स कैलकुलेट करके देता है, इसलिए खलील इज कॉल्ड एज टैक्स प्रैक्टिशनर। खलील के लिए भी एथिक्स होने चाहिए, वरना खलील भी गड़बड़ करेगा। मुरलीधरन से इतने पैसे मांग लेगा कि सोच है मुरलीधरन की। ओके, इंटेग्रिटी। सबसे पहले खलील भाई में इंटेग्रिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी। द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड बी सीधे खड़े हो जाए, सीधे खड़े हो जाओ खलील, ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड ही मस्ट एक्ट विद ऑनेस्टी एंड विद इंटेग्रिटी। सम लॉज शुड बी फॉलोड प्रॉपरली, कुछ लॉज सही फॉलो कर ले, कुछ में खैर है। ऑल लॉज, ALL, ऑल। ही शुड नॉट मिस यूज द मनी गिवन बाय हिज क्लाइंट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। जी, पैसे मिस यूज कैसे हो सकते हैं, इसका तो तरीका खलील सुन लें। मुरलीधरन को कहा, भाई तू जल्दी जल्दी टैक्स जमा करा, शर्म नहीं आती, आज क्या तारीख है? अच्छा आज जो है ना 16 अगस्त है, चल टैक्स मुझे दे दे, टैक्स मुझे दे दे, मैं FBR में जमा करा के तुम्हें रसीद दे दूंगा, ठीक है। अब खलील साहब ने मुरलीधरन से पैसे पकड़ लिए 16 अगस्त को, और 16 अगस्त को पैसे पकड़ के अपनी जेब में डाल लिए और उससे पैसे खरीदे, उस पैसों से सॉरी माजरत चीजें खरीदी और चीजें खरीद के बेची, बकरे खरीदे, बकरे खरीद के बेचे, फिर उस पैसों से जो है वो जानवर खरीदे, ऊंट खरीदे, ऊंट खरीद के बेचे, और स्टॉक खरीदता रहा बेचता रहा, महीना सवा उस पैसे को यूज किया, और 16 अगस्त से 29 सितंबर तक पैसा अपनी जेब में रखा और उसको इस्तेमाल करता रहा, और 30 सितंबर को जाके टाइमली FBR के दफ्तर में जमा करा दिया। अब मुरलीधरन ये समझ रहा था कि 16 को ही मेरा पैसा FBR के खजाने में चला गया, लेकिन इसने 16 से लेके ये आइडियाज नहीं दिए जा रहे, ये आपको बताया जा रहा है कि कैसे मिसयूज करते हैं लोग। तो 16 को इसने पैसे लेके 29 को FBR में जमा करवाए। अब इसने क्लाइंट की दी गई मनी को क्या किया, यूज किया, यूज नहीं किया, मिस यूज किया। यूज तो और लोग कहेंगे, आप कहेंगे मिस यूज किया। ओके, ही शुड नॉट मिस यूज द मनी गिवन बाय हिज क्लाइंट। और पकड़ा भी जाएगा, कभी पकड़ा जाएगा, अगर मुरलीधरन बेध्यान होगा तो फिर नहीं पकड़ा जाएगा, अगर मुरलीधरन रसीद पर डेट देख लेगा तो पकड़ लेगा, कहेगा भाई डेट तो बैंक की 29 सितंबर 30 सितंबर की लगी और तूने मेरे से पैसे 16 अगस्त को, फिर शर्मिंदा होगा, ओहो। इसलिए ये करेगा क्या, ये डेट पे हाथ रख के उंगली रख के उससे पकड़ाए, भाई ये ले जाए घर जाके देख लीजिएगा, और लिफाफा ना खोलिएगा, बस आपका टैक्स जमा हो गया। तो ये चीज पकड़ी भी जाती है, ही शुड नॉट मिस यूज द मनी गिवन बाय हिज क्लाइंट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। उस पैसों को अपने जाती इस्तेमाल में ना लेके आए, वो पैसे FBR को जमा करा दे। जागते रहना भाइयों, भाइयों। ओके, ऑब्जेक्टिविटी। प्रैक्टिशनर शुड नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अंडू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स टू ओवरराइड देयर प्रोफेशनल और बिजनेस। शुड नॉट अलाउ बायस, बायस तो ये हो सकता है ना, मिस्टर खलील खान। ओके, तो मिस्टर खलील खान साहब के पास एक खान भाई आए। अब खान भाई को ये टैक्स बचाने के तरीके बता रहे हैं, और एक प्राचा भाई आए, प्राचा भाई। अब प्राचा भाई इनकी बरादरी के नहीं है, खान भाई इनकी बरादरी के हैं, क्योंकि ये खुद भी खान है। अब खान भाई को ये टैक्स बचाने के तरीके बता रहे हैं और प्राचा भाई से अन्ना टैक्स लेके गवर्नमेंट को जमा करा रहे हैं, तो अब बता दें ये बायस आ गया इनके अंदर, तो ये बायस नहीं होना चाहिए इनके अंदर, इस बायस को दिमाग में से कीड़े की तरह निकालना पड़ेगा। प्रैक्टिशनर शुड नॉट अलाउ
बायस। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है, इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है, दिमाग में जंग क्यों चल रही है कि इसे फायदा पहुंचा दूं इसे ना फायदा पहुंचाऊं। ये अपनी बिरादरी के, ठीक है, गुजरों की नानी एक होती है, खानों की नानी भी एक होती है मिसाल के तौर पे, तो ये अपनी बिरादरी के, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इसके माइंड में। कॉन्फ्लिक्ट क्या कह रहा है, इसको क्या दे दो, नुकसान पहुंचा दो, इसकी खैर है, ये प्राच्य है, प्राच्यों के साथ जो होता है होता रहे, खानों को बेनिफिट दो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसके माइंड में एक जंग चल रही है। अच्छा, कई दफा अनड्यू इन्फ्लुएंस भी होता है। शेख रशीद भाई आए, सर शेख रशीद भाई ने आके मिस्टर खान को कहा, भाई भाई ये खलील खान साहब मेरी टैक्स की कैलकुलेशन जमा करा दें, और अगर आपने मेरी टैक्स की कैलकुलेशन में ज्यादा टैक्स बनाया तो बस फिर मुझे पता है आप किस रास्ते से घर जाते हैं। ओह, इतना प्रेशर डाल के चला गया। तो अन ड्यू इन्फ्लुएंस, ड्यू ड्यू प्रेशर डाला है या अन ड्यू प्रेशर डाला है, अब ये ना चाहते हुए भी टैक्स इनको बचा देंगे। लेकिन आपने कहना है मैंने बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो अल्लाह सुबह घर से निकलते पढ़ ली थी, तू जो कर ले करना है, ठीक है, वैसे मौके डरना नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लेना, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। और वो अनड्यू इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होता है कि वो ओवरराइड कर जाता है, छा जाता है आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे। प्रोफेशनल जजमेंट कह रही होती है बिजनेस सैलरी कैपिटल गेन अदर सोर्स सब जमा करो, और शेख रशीद भाई कह रहे होते हैं खाली बिजनेस ऐड कर दो, बस चुप कर जाओ, कैपिटल गेन गवर्नमेंट को बताओ ही ना मेरा कितना है, अदर सोर्स बताओ ही ना मेरी कितनी है, बस बिजनेस करो, टोटल मारो, ज़कात माइनस करो, टैक्सेबल इनकम जाओ, बस इतना काम करो। अनड्यू अपने तरह, ये अंग्रेजों वाली अंग्रेजी जरा दोबारा, प्रैक्टिशनर शुड नॉट अलाउ बायस, बायस नहीं होना चाहिए, खान पराचा बायस नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जंग नहीं दिमाग में चलनी चाहिए, जो लॉ है उसको फॉलो करें। क्या मतलब है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, इसने न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू किया, लिखा होता मिस्टर कामरान खान, तो सॉल्व करते सोच रहा था इसको फायदा कैसे दूं, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू किया, लिखा होता मिस्टर उमर प्राचा, अब सोच रहे हैं इसको नुकसान कैसे पहुंचाऊं, ये इसके दिमाग में एक जंग चल रही है, ये नहीं चलनी चाहिए। और अंडर इन्फ्लुएंस क्या है, कि अगले बंदे ने प्रेशर डाला आके किसी भी वजह से। कॉन्फिडेंशियलिटी, जी भाई, पेप्सी वाले भी इससे टैक्स कैलकुलेशन करवा रहे हैं और कोक वाले भी इससे टैक्स कैलकुलेशन करवा रहे हैं, अब आपको मतलब समझ आ गया होगा कॉन्फिडेंशियलिटी का। आप पेप्सी को जो डेटा, पेप्सी ने जो डेटा आपको दिया है खलील भाई, इसको बस आगे किसी को नहीं बताना, पेप्सी वालों को आपने बता दिया, पेप्सी वालों को कोक वालों का डेटा या कोक वालों को पेप्सी वालों का डेटा, इट इज वायोलेशन ऑफ, बोले बोले बोले, कॉन्फिडेंशियलिटी। द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड ऑल शुड कीप ऑल इंफॉर्मेशन, और भाई गौर से पढ़ लें, ये 10 नंबर है पहले 3 चैप्टरों में छुपे हुए। द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड कीप ऑल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एक्वायर्ड इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशन। द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट के ऊपर लिख लें, पेप्सी कोक जो भी हो, शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय, जब तक लॉ कह दे। हाँ, गवर्नमेंट कहे डेटा दो पेप्सी का, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे मैंने कॉन्फिडेंशियल रखना है, गवर्नमेंट कहेंगे सी। अच्छा जी, फर्दर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम क्लाइंट शुड ऑल्सो नॉट बी यूज फॉर पर्सनल बेनिफिट। आपको पता चला पेप्सी का इस साल बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, आपने पेप्सी के शेयर खरीद लिए, अब ये कौन सा बेनिफिट आपने ले लिया, पर्सनल बेनिफिट। आपको पता चला पेप्सी का फॉर्मूला कि आपने पेप्सी बना लिया, अपनी अपनी पेप्सी, नाम रखा अपनी पेप्सी कोला। अच्छा जी, ना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने, ना थर्ड पार्टी को फायदा देने, ना दोस्तों को फायदा देना, थर्ड पार्टी दोस्तों को भी फायदा नहीं देना, किसी को फायदा नहीं देना इससे, बस ये डेटा जो कॉन्फिडेंशियल है इसको अपने अपनी हद तक रखें। दोस्तों को बुला के मैं तुम्हें बताऊं पेप्सी का प्रॉफिट कितना आ रहा है, मैं बता दूं, इस तरह की बातें नहीं करनी, मुहज़्ज़िब लोगों का पेशा नहीं है ये। ओके, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ओके जी, खलील साहब के पास
चाइना की गवर्नमेंट आई और चाइना की गवर्नमेंट ने आके कहा कि भाई हम एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू करने लगे हैं, आप हमें टैक्स निकाल के देंगे। अब ये अंदर ही दिल ही दिल में हंस रहे हैं, मैं इंडिविजुअल्स का टैक्स निकालता हूँ, एओपी का टैक्स निकालता हूँ, माड़ा मोटा कंपनी का भी टैक्स निकाल देता हूँ, वो गवर्नमेंट उसके प्रोजेक्ट्स अरबों के अंदर खरबों के अंदर और उसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज और ये सब कुछ दिल में ये सोच रहे हैं मैं ये कर नहीं सकता। लेकिन जब इन्होंने कहा हर महीने 3 लाख मिला करेगा तो खलील ने कह दिया मैं कर दूंगा, आप मेरे पे छोड़े, बस देखी जाएगी जो भी होगा देखी जाएगी, मैं आपको करके दूंगा। तो वो काम करने को आपने पकड़ लिया जिसकी आप में कैपेसिटी नहीं थी। एक डॉक्टर हाउस जॉब कर रहे और एक मेजर सर्जरी आ गई, डॉक्टर ने कहा कि जी एक्सपर्ट तो 3 लाख रुपए ले रहे हैं, आप मरीज को मेरे पास ले आए, 20,000 में दिल का इलाज कर दूंगा, परेशान ना हो, आप घर ले आए मेरे, कल 1-2 हज़ार चाहिए होते हैं वो मैं पकड़ लूंगा अस्पताल से ले आऊंगा, तो उधर इंशाल्लाह 20,000 में जो है दिल का ऑपरेशन कर दूंगा, तो फिर आप एक ही दफा जाइएगा। ओके, पॉइंट 4 नाउ, उस डॉक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे, ही इज नॉट अ प्रोफेशनल, कॉम्पिटेंस उसमें नहीं है। तो सीए करने के बाद ये देखेंगे पैसे कितने आ रहे हैं या ये देखेंगे काम कर सकता हूं या नहीं। अगर काम कर सकते हैं तो काम लेना है, वरना वो काम रिजेक्ट कर देना है, ये नहीं देखना इसमें ज्यादा पैसे आ रहे हैं, नहीं आता तो बता दे नहीं आता। टैक्स प्रैक्टिशनर हैज अ ड्यूटी टू मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड एट सच अ लेवल दैट क्लाइंट रिसीव्स अ लो क्वालिटी सर्विस, कॉम्पिटेंट सर्विस। द प्रैक्टिशनर शुड हैव पार्शियल नॉलेज एंड स्किल ऑफ सर्विसेज, फुल स्टॉप। सम लॉज शुड बी अप्लाइड प्रॉपरली, स्टाफ मेंबर्स शुड ऑल्सो बी नॉट ट्रेन्ड। जो स्टाफ खलील खलील नहीं होगा, इसके नीचे भी कई खलील होंगे, 3-4 एम्प्लॉयज इसने रखे होंगे, उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये विसल ब्लो कल करेंगे, अभी सिर्फ प्रोफेशनल बिहेवियर पढ़ लें, प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर में दो बातें आती हैं, आपने लोकल लॉज को फॉलो करना है और आपके बिहेव करने का तरीका सही होना चाहिए। ये बिहेव करना कौन सा होता है, ये वही बिहेव करना होता है जिस तरह शादियों के ऊपर जो है वो छोटा बच्चा जो है वो प्लेट भर रहा होता है तो दूर से मियाँ आवाज मारती है बेटा बिहेव, देख रहे हैं लोग, तो वीडियो भी बन रही है अब तो, बेटा प्लीज बिहेव। तो बिहेवियर होता है उठना चलना फिरना बैठना। अब मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट आया खलील के पास, तो खलील ने आप चाय पानी पूछना था, तो इसने कहा कि भाई आप क्या ठोंसेंगे मुंह में, आप बता दें आप क्या ठोंसना पसंद करेंगे। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, इसको लॉ भी सारा आता है, इंटेग्रिटी भी है और इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मशहूर है और इसकी ऑब्जेक्टिविटी मशहूर है, लेकिन बात करने का तरीका ऐसा है कि अगला बंदा कहता है इससे बेहतर है मैं किसी और के पास चला जाऊं। तो इसमें बिहेवियर नहीं है, बिहेवियर नहीं है, ठीक है। अब खलील साहब से कोई मिलने आया दफ्तर में ट्रैक सूट पहन के बैठे हुए थे, अब किसी ने आके पूछा जी वो खलील साहब से मिलना था, मैं ही हूं, अच्छा, तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, ठीक है। द प्रैक्टिशनर शुड फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशंस, सबसे पहले शुड फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशंस एंड शुड अवॉइड द हरकतें, जिनको आप हरकतें कहते हैं, शुड अवॉइड द हरकतें विच डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। लोग कहेंगे सीए होते ही ऐसे हैं कि मुंह में ठोंस लो, इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, फुल स्टॉप। इससे आगे आगे लोग चले जाते हैं, बट वी आर इन क्लास, फुल स्टॉप। ही शुड फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स डेवलप्ड फॉर, ही शुड बिहेव विद, आए बैठे आप क्या खाएंगे आप क्या पियेंगे, खाना मंगवा देता हूं, लो भाई इनके लिए खाना लेके आओ, इस तरह बात करें आप, बाद में पता चला चाय बिस्किट आ रहे हैं। ही शुड बिहेव विद कर्टेसी विद पीपल, आए बैठे वाले लैंग्वेज होनी चाहिए, ना के चले छोड़े जाएं सबने जाने।